श्राद्ध चल रहे ना, तो मम्मी अपने श्राद्ध दिए तो उसका ले जा रहा हूँ। तो लेकिन मेन मुद्दा ये नहीं है, मेन मुद्दा है वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। बहुत टाइम बाद जो है शूट कर रहे हैं फिर से, और आप लोगों से नहीं खेल चुके अभी जा रहा हूँ जल्द, आते आते बता दूँ क्या जी। आप लोगों को पता है गाड़ी का डिफ्यूज़र मैंने पेंट किया, ठीक है, मतलब पेंट नहीं किया अभी, लगवाया डिफ्यूज़र डुअल डिप के साथ, ठीक है। तो गौरव सिंह वाले चैनल पर आप लोगों को मुझे एक हेल्प करनी है कि पेंट कौन सा करूँ, ठीक है। अब दिखाता हूँ आज इसको भी रखना है यार। गाड़ी के अंदर एंट्री करेंगे और साथ साथ आप लोग लिए और अपडेट है मेरे पास, ठीक है। ओहो गाड़ी लॉक हो गई फिर से। आप लोग लिए एक और अपडेट है मेरे पास, एक मिनट गाड़ी स्टार्ट कर लें। अब ये आरपीएम जब तक नीचे नहीं आएगा तो हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, ये आरपीएम, ठीक है। तो कैमरा गंदा लग रहा है, बेटर। तो आप लोगों के लिए अपडेट एक और है मेरे पास, मेरे को ना आपसे बहुत सारी हेल्प चाहिए, ठीक है। तो मेक श्योर आप लोग कमेंट ज़रूर करना ताकि मेरे को हेल्प हो पाए आपकी साइड से, ठीक है। पहली बात तो पीछे का डिफ्यूज़र है उसको पेंट करना है, ठीक है, रेस कटिंग को, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा वीडियो में आगे, ठीक है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपना एक और काम है जो अभी हाल ही में जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हम अपना इंटीरियर कस्टमाइज़ कर रहे हैं, ठीक है, पूरा इंटीरियर कस्टमाइज़ कर रहे हैं, स्टेयरिंग हो गया, ये सब फ्रंट की चीज़ें हो गई, सारी की सारी जो है सबका कलर चेंज करेंगे, ठीक है। तो मुझे ना आप लोगों से हेल्प चाहिए कि अपने इंटीरियर पे कौन सा कलर करूँ, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, तभी मैं आप लोगों से हेल्प मांग रहा हूँ। तो प्लीज़ हेल्प कर देना, मुझे पूरा कलर बताना कौन से कलर में आप लोगों को डुअल टोन में आपको इंटीरियर जो है देखना है। यहाँ पर अपने गाड़ी का आरपीएम भी आ गया है डाउन, ठीक है, हम गाड़ी चला सकते हैं। चलो चल चलते बात करते हैं। कितने प्यारे नज़र आ रहे हैं, देख लो ऊपर देखो भाई, हवा भी मस्त चल रही है, स्पीड ब्रेकर भी आ गया है, ये देख लो भाई बादल कितने कैड़े लग रहे हैं, यहाँ से भी देख सकते हो आप। तो मौसम तो भाई ज़बरदस्त हो रहा है, नो डाउट, हवा भी चल रही है, मुझे लग रहा है कि आज बारिश भी आएगी। गाड़ी तो खैर साफ़ है, कितनी गंदी नहीं है, जितनी गंदी में गाड़ी जो बंदा वॉश करवाते उससे उतनी गंदी नहीं है। जिम चलते पहले, उसके बाद आते हुए पूरी गाड़ी भी दिखाऊँगा और सारी हेल्प भी लूँगा आप लोगों से, ठीक है। कमेंट पर कर दिया करो भाई, मैं वीडियो इसलिए एक तो वीडियो डाल नहीं पाता हूँ, लेकिन अगर आप थोड़ा आप कमेंट वमेंट करोगे ना तो मेरे को थोड़ा वो मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी तो शायद दोबारा वीडियो बनाऊंगा, तो इसलिए थोड़ा कनेक्टेड रहेंगे, इसलिए थोड़ा वीडियो बनाएंगे। तो थोड़ा कमेंट किया करो, हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलती है उससे, ठीक है। चलो आगे आगे बढ़ते हैं। तो वो खड़ी अपनी गाड़ी, ठीक है जी, मैम चालू है, वेट लॉस करने की कोशिश पूरी पूरी जा रही है, लेट्स सी भाई। जिम में हो गई कंप्लीट हमारी, ठीक है, एक्सरसाइज कर ली है, लेकिन अब मैं ढूंढ रहा हूँ गौ माता को, मम्मी ने दिया हुआ है शराब वाला कारा गाय को देने के लिए, गाय मिल गई तो गुड, वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर किसी पेड़ की रख देंगे जहाँ पे गौ माता आती रहे, चाहती रहे, खाती रहे, कोई दिक्कत नहीं। पर यार दिख नहीं रही मुझे कोई गाय माता, पीछे घोड़े देख गए थे, उनको देख के मैंने गाड़ी रोक ली थी, लेकिन वो घोड़े हैं, दे तो देता लेकिन उनके ओनर भी थे, क्या पता वो नहीं खिलाते होंगे पूरी पूरी। तो ये गाड़ी की कुछ रेयर प्रोफाइल है जिसको कस्टम करना है, मतलब कलर करना है, तो आप लोगों को मुझे रिकमेंड करना है कि कलर कौन सा करा जाए इसके रेयर पे। जो मैंने सोचा इसके ऊपर वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन करेंगे, बट उसके लिए भी मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए आप लोगों की। ऊपर की कटिंग में सोच रहा हूँ कि वाइट कर लो, जो नीचे का पोर्शन है उसको ब्लैक कर लो, ठीक है, यही मेरी थॉट प्रोसेस चल रही है। बीच में लाइट भी इंस्टॉल करवानी है, टाइम बिल्कुल नहीं मिला हाल ही में, लेकिन अब जो है सीसो करेंगे पूरा, ठीक है। और एक चीज़ और आप लोगों से पूछनी थी मेरे को, सनरूफ देख लो, इंटीरियर कलर में हेल्प चाहिए मुझे आप लोगों की, कमेंट करो, बताओ कौन सा कलर कराया जाए, कैसा कलर किया जाए, जो आप लोगों को पसंद भी आए, थोड़ा यूनिक भी लगे।